वेलकम बैक गाइस जी को फिर से धमाके दार वीडियो गाइस। जल्दी से आप अपना जो है 9th का पेपर जो इंग्लिश सब्जेक्ट का फटाफट देख लीजिएगा। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए क्वार्टरली एग्जाम यहाँ पर 2024। तो गाइस क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश। तो गाइस यहाँ पर टोटल मार्क्स यहाँ पर 75 नंबर का आपका जो है रहने वाला पेपर। यहाँ पर टाइम आपको जो है 3 आवर्स का मिलने वाला है। तो गाइस क्वार्टरली एग्जाम 2024 का देखेंगे हिंदी का पेपर। तो गाइस आपके पास जो है टाइम बहुत कम बचा है। तो गाइस यहाँ पर अभी जल्दी से फटाफट देख लीजिएगा। अभी रात में आपका जो है आपके जिले का पेपर मिला है, तो जल्दी से देख लीजिएगा। आपका हिंदी का भी हमने आपको पेपर डाल दिया था, जल्दी से इंग्लिश का देख लीजिए फुल सॉल्यूशन सही। चलिए थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपके क्वेश्चन साफ साफ आपको दिखाई दे। तो इस वीडियो की फुल क्वालिटी बढ़ा लीजिए। और गाइस हाँ, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सेक्शन ए में यहाँ पर रीडिंग देखने को मिलने वाली है आपको। देख लीजिए पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिव बिलो। तो गाइस यहाँ पर 5 नंबर का पहला पैसेज। तो गाइस यहाँ पर जगत एंड सुगत वी आर फ्रेंड। तो गाइस आप लोग इस पैसेज को अच्छे तरीके से जो है रीड कर लीजिएगा। रीड करने के बाद इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गाइस रहे क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है, तो चलिए इन्हें क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिएगा, डॉट डॉट एंड डॉट डॉट वी आर फ्रेंड। तो गाइस जगत एंड सुगत वी आर, जो जगत एंड सुगत है वो यहाँ पर इसमें आपको क्या भर देना है, जगत भर देना है, जगत भर देना, फिर यहाँ पर एंड फिर हो जाएगा सुगत। तो वैसे आपको पैसेज में इनके आंसर मिल जाएंगे। तो वैसे हमने पैसेज में से ही आपको ये जो है ढूंढकर आंसर आपको बता रहे हैं। तो वैसे आप अच्छे तरीके से देखते चलिएगा, सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट करेंगे। तो वैसे पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है डॉट डॉट, यहाँ पर इसमें डॉट डॉट में भर देना आपको वेट। तो वैसे डब्ल्यू एच ई ए टी, तो वैसे आपको इतना दूसरे रिक्त स्थान में भर देना है। इसके बाद है यहाँ पर तीसरा है, तीसरे का पहले रिक्त स्थान में आपको भर देना क्या, जगत भर देना है। जगत भरने के बाद इसके बाद जगत भर दिया आपने, इसके बाद दूसरे रिक्त स्थान में भर देना है सुगत। तो इस ये आपका तीसरा कंप्लीट हो जाता है। तो जल्दी से आप फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। इसके बाद आ जाता है चौथा, चौथा क्वेश्चन में आपको इसलिए भर देना है। तो इससे जो है हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है आपको बहुत ही कठिन लग रहा हो, लेकिन बहुत ही सरल रहता है इंग्लिश का पेपर, क्योंकि आपको कम ही याद करना पड़ता है। वैसे हाँ, इसके जो मीनिंग वगैरह है सभी को अच्छे तरीके से जो है लिख कर आपको याद करना है, ठीक है। इसके पाँचवा देख लीजिए, पाँचवा जगह, पाँचवा में भी आपको जगत एंड सुगत भर देना है। तो इस जगत यहाँ पर फिर यहाँ पर भर देना है सुगत। तो इस यहाँ पर जगत और सुगत यहाँ पर भर देना है। तो वैसे आपके पहले क्वेश्चन का कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पर जो आपका पैसेज है तो वैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए आप दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको रीड द फॉलोइंग पैसेज। तो कैसे यहाँ पर इस पैसेज को आप रीड कर लीजिएगा, इसके आंसर क्वेश्चनों के आंसर जो है हम आपको फटाफट बता देते हैं। देख लीजिए इसमें भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलने वाले 5 नंबर के। तो वैसे देख लीजिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर इसमें ईद इज द लास्ट डे ऑफ। तो वैसे इसमें आपको मिल जाएगा यहाँ पर ईद इज द जो लास्ट डे ऑफ रमजान हो जाएगा। तो वैसे इसमें लिख देना रमजान। तो वैसे इसमें रमजान इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद है यहाँ पर दूसरा, दूसरे में आपको भर देना फास्टिंग। तो वैसे एफ ए एस टी आई एन जी, तो वैसे फास्टिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वैसे ये आपका फास्टिंग हो जाएगा, FASTING। तो वैसे ही आपका दूसरा भर दे, तीसरा हो जाएगा, तीसरे में आपको प्रे भर देना है, प्रे मीन्स प्रार्थना। तो वैसे इसमें प्रे भर देना है। इसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट, नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर गिफ्ट GIFT। तो वैसे यहाँ पर इसमें भर देना गिफ्ट। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट इसमें इसमें भर देना है आपको क्या, इसमें हो जाएगा न्यू ड्रेस करेक्ट आंसर। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर न्यू ड्रेस भर देना है, न्यू ड्रेस। तो वैसे यहाँ पर स्पेलिंग जो है आपको बिल्कुल राइट राइट लिखना है, जो स्पेलिंग वगैरह है वो गलती नहीं करना है, नहीं तो आपके नंबर कट जाते हैं। तो वैसे आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद तीसरा आ जाता है सेक्शन बी में राइटिंग करनी है। इसमें देख लीजिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड नोट्स, और यहाँ पर इसका टाइटल लिखना है। 4 नंबर आपके इसके मिलने वाले हैं। तो वैसे फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आंसर आपको फटाफट बताने वाले हैं। तो वैसे यहाँ पर चलिए, यहाँ पर देख लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये रहा आपका जो है पूरा पूरा पैसेज। तो गाइस इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आपका आ जाता है चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको यू आर जो निजी स्टूडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल दिया हुआ है। तो गाइस यहाँ पर आपको अपना नाम जो है इसमें जिस स्टूडेंट का नाम दिया हुआ है और स्कूल का नाम दिया हुआ है यही लिखना है, ठीक है। इसके बाद राइट एन एप्लीकेशन लिख देना है, प्रिंसिपल 4-2 डेज के लिए लिखना है। तो गाइस बिल्कुल सिंपल है, आपको जो है इनके आंसर भी आपको बताने वाले हैं। तो गाइस इसका आंसर का पीडीएफ बता देंगे कहाँ से डाउनलोड करना है, पूरा पूरा आप जो है इसका आंसर का पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद पांचवा आ जाता है, पांचवा देख लीजिए आपको, यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर इसके बाद इसका अथवा। तो गाइस ये आपका पांचवा का अथवा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर जो छठवा,
छठवां में देख लीजिएगा, यहाँ पर छठवां क्वेश्चन है लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन। तो गाइस यहाँ पर आपको एक पिक्चर देखना है, इसके क्वेश्चनों के आंसर हम आपको फटाफट बताने वाले हैं। तो गाइस इसमें आपको जो है क्या दिख रहा है, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। तो गाइस इसमें आपको लिख देना है जो है ट्री कटिंग है, यहाँ पर लिख देना आपको। तो गाइस यहाँ पर हम आपको इनके भी आंसर बता देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना। आपको जो है वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइस पूरा पूरा सॉल्यूशन का पीडीएफ आपको डाउनलोड करके बताने वाली है। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए सेक्शन बी में ग्रामर, चलिए जितना पेपर में सॉल्व हो जाएगा वो फटाफट करा देते हैं। देख लीजिए सेक्शन सी में ग्रामर, ये आपके फिल इन द ब्लैंक से फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिएगा, इसमें आपके पहले में देख लीजिए, पहले में यहाँ पर आपको भर देना है, पहले में इन भर देना। चलिए हम भर देते हैं डायरेक्टली आपके रिक्त स्थानों में, पहले में इन हो जाएगा, इसके बाद दूसरे में आपका फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए एफ, यहाँ पर लिख देना है एफ आर आई एस टी। तो वैसे यहाँ पर टिक भी कर दिया आपका, लिख भी दिया है। इसके बाद तीसरे में आपका हो जाएगा बिफोर। तो वैसे इसमें बिफोर लिख देना है, बिफोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट इसमें आपको आर भर देना है, ए आर ई, इसमें आर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट पाँचवा है, यहाँ पर पाँचवें में आपको भर देना है, पाँचवें में इज भर देना है, इज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट इसमें आपको आर भर देना है। तो गाइस ये आपका इसमें छठवां में आर हो जाएगा। तो गाइस यानी फाइव करना है। तो गाइस हमने छः के आंसर बता दिए, आपके जो है इसमें से पाँच कंप्लीट करना है। इसके बाद जाता है डूइज डायरेक्ट यानी फाइव, चलिए पाँच नंबर के डूइज डायरेक्ट देख लेते हैं आपकी। तो गाइस ये रही आपकी डूइज डायरेक्ट, फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपके पहला डूइज डायरेक्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। तो गाइस छः में से यहाँ पर पांच कंप्लीट करना है, ठीक है। तो गाइस जल्दी से फटाफट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं, आपको टेंशन नहीं लेना, सभी के आंसर बताए जाएंगे। इसके बाद सेक्शन सी, यहाँ पर सेक्शन सी में देख लीजिए नौवां क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज। तो गाइस यहाँ पर इस पैसेज को आपको रीड करना है। रीड करने के बाद चलिए चार नंबर का यहाँ पर, चलिए इसके क्वेश्चन कंप्लीट करा देते फटाफट इनके आंसर। तो गाइस चलिए यहाँ पर देख लीजिए, पहले में आपको 180 भर देना है, पहले में 180 भर देना है, दूसरे में यहाँ पर 1200 हो जाएगा, 1200 रोटी। तो गाइस इसमें इसके बाद है यहाँ पर तीसरे में वीट भर देना है, यहाँ पर हो जाएगा डब्ल्यू ई ए, यहाँ पर देख लीजिए डब्ल्यू एच ई ए ए टी। तो गाइस इतना आपको भर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट ट्रैक्टर, इसमें आपको ट्रैक्टर भर देना है। चौथे में यहाँ पर ट्रैक्टर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर आपको दिखा जो है लिखा दिख रहा होगा ट्रैक्टर, तो वैसे यही आपको इसमें भर देना है। तो गाइस फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नौवां क्वेश्चन का आंसर भी हमने उसी में भर दिए। इसके बाद दसवां आ जाता है, दसवां में देख लीजिए मैच द सिंगुलर वर्ड विथ देयर प्यूलर। तो गाइस यहाँ पर सिंगुलर और प्यूलर वर्ड दिए हुए, चलिए मिलान कर लेते हैं। पहला हैन का हो जाएगा हैंस, तो गाइस पहले का यहाँ से मिला देना। दूसरा सीड का हो जाएगा सीड से, इसके बाद ट्रैक्टर का हो जाएगा ट्रैक्टर से, इसके बाद फ्रेंड का हो जाएगा फ्रेंड्स, इसके बाद पाँचवा जो चिल्ड्रन का हो जाएगा चिल्ड्रंस। तो इसी आप पांच नंबर आपके इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट है ग्यारहवां क्वेश्चन फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लॉन्ग नहीं होनी चाहिए। फटाफट आपके जो है टाइम नंबर बात करते हुए फटाफट सभी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। देख लीजिएगा यहाँ पर पहले रिक्त स्थान में आपको एट भर, इसमें आपको फॉर्म भर देना है, एफ आर ओ एम फॉर्म दिया हुआ है। इसके बाद इसमें भर देना है टू, इसमें टू हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर टू दिया हुआ है। इसके बाद दूसरे में एट भर देना है, दूसरे में एट हो जाएगा। इसके बाद तीसरे में आपको इन भर देना है, तीसरे में आपका इन हो जाएगा। चौथे में भर देना आपको एट भर देना है, चौथे का एट भर देना। पाँचवें में आपका लार्जेस्ट हो जाएगा। तो वही यहाँ पर लिख देना है लार्जेस्ट। तो वही ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लार्जेस्ट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है बारहवां जल्दी फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसे यहाँ पर देख लीजिए आपको इसमें जो है करेक्ट आंसर चूज करना है। तो चलिए फटाफट पहले का यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, दूसरे का डी ऑप्शन। तो जल्दी से लगा लीजिएगा फटाफट, क्योंकि आपके पास जो है टाइम बहुत कम बचा, पूरा पेपर कंप्लीट करना है इसी वीडियो में। तो इसके बाद तीसरा आ जाता है, यहाँ पर देख लीजिएगा तीसरा का राइट आंसर है, यहाँ पर लगा लीजिएगा। तीसरे का यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन। इसके बाद है चौथे का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पांचवें का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो इस पांचवें में ए ऑप्शन लगा लीजिएगा। तो इसी आपके जो है यहाँ पर बारहवां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद तेरहवां आ जाता है, तेरहवां में चलिए फटाफट आपके जो मैचिंग में मिला लेते हैं। तो इस पहले में यहाँ पर ई ऑप्शन को मिला देना है, दूसरे का यहाँ पर सी मिल जाएगा। इसके बाद तीसरे का यहाँ पर डी, चौथे का हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, और पांचवें का ए ऑप्शन। तो गाइस ये आपकी सही जुड़ियाँ का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर आपका चौदहवां में देख लीजिए जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें आपको जो है 30 वर्ड में इनके आंसर लिखना है, यानी फोर करना है। तो
तो गाइस यहाँ पर जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दो दो नंबर के 8 नंबर आपकी इसमें कंप्लीट। इसके बाद है यहाँ पर 15वां 16वां, तो गाइस यहाँ पर 15वां में आपको एनी 2 करना है, तो गाइस यहाँ पर 3 में से 2 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। इसके बाद 16वां देख लीजिए, 16वां इन दोनों में से एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है। हाँ, आप जल्दी से फटाफट इनकी सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, तो गाइस सॉल्यूशन का PDF हमने जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, और हाँ गाइस जो है व्हाट्सअप चैनल पर भी डाल दिया है, तो गाइस दोनों ग्रुपों पर डाल दिया है, टेलीग्राम और व्हाट्सअप। तो गाइस यहाँ पर जल्दी से आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जल्दी से यहाँ पर इसका सॉल्यूशन का PDF पूरा फुल सॉल्यूशन का PDF डाउनलोड कर लीजिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ।